मीना कैराफैक्स एबी के अंधेरे गलियारों में किसी तरह अपना रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उस अंधेरे में भी उसे एकदम साफ दिखाई दे रहा था। अब वो इंसान नहीं थी, वो एक रात की प्राणी बन चुकी थी। पर उसके शरीर के अंदर काफी कुछ था जो ठीक नहीं था। उसके अंदर भड़कती वो खून की प्यास, उसकी वजह से उठता दर्द और बार बार उल्टी जैसा महसूस होना, मीना के लिए ये नया था। पर मीना पर एक बेहोशी सी भी छा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए एक ठंडी दीवार का सहारा लेकर रुक गई। उसके पेट में तेज दर्द उठा और उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर निकल आया। क्या उन चूहों का खून उसके लिए मुफीद नहीं था? शायद इसीलिए कि उसने अभी तक इंसानी खून नहीं चखा था। वैम्पायर बनने के बाद पहली बार उसे सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून ही पीना चाहिए था। आसपास से आती आवाजों और गंध का पीछा करते हुए मीना एबी के बाहर लकड़ी के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। उसने एक ही बार में वो भारी दरवाजा खोल दिया, पर तुरंत ही उसे एक भयानक दर्द का एहसास हुआ। सूरज, उसकी रोशनी आसमान में दिखाई देने लगी थी। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गई। आसमान में चढ़ता सूरज हर गुजरते पल के साथ उसके लिए घातक होता जा रहा था, पर उसे क्विंसी को बचाना भी तो था। सूरज की वो बुझी हुई किरणें भी मीना के शरीर को इस तरह दर्द दे रही थी जैसे लाखों करोड़ों सुइयां उसे चुभोई जा रही हों। यह एहसास काफी दर्द भरा था, पर मीना को इसे बर्दाश्त करना ही होगा। उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से बाहर मैदान की तरफ दौड़ी। उसकी तबीयत दोबारा बिगड़ रही थी। वो अचानक ही थक कर जमीन पर गिर पड़ी, पर उसकी आंखें अब दिन में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। उसने क्विंसी को कब्रिस्तान में खड़ा हुआ देखा। उसे तलवारों के टकराने की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थीं। पत्थरों की सीढ़ियों पर उसे दो आकृतियां आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। उसे एहसास हो रहा था कि क्विंसी अपने मौके का इंतजार कर रहा था। वो किसी तरह उठकर खड़ी हुई। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसे क्विंसी को पकड़ना ही था। क्विंसी दूर स्तब्ध खड़ा ड्रैकुला और बैथोरी को लड़ते हुए देख रहा था। ड्रैकुला घायल था और वो पीछे हट रहा था। वो जानवर जैसा जीव जो कि शायद काउंटेस थी, वो बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज थी। बैथोरी ड्रैकुला को सूरज की रोशनी में खाई में धकेल रही थी। क्विंसी के पास पूरा मौका था, पर उसके अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। क्विंसी ने काउंटेस को पहली बार देखा था, पर वैन हेल्सिंग के कहे मुताबिक यही जैक द रिपर भी थी। वो इतनी भयानक दिखती होगी, इसकी उम्मीद क्विंसी को नहीं थी। अगर वो बैथोरी का साथ देता तो वो ड्रैकुला को अभी इसी वक्त ठिकाने लगा सकता था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ड्रैकुला का खून लगातार बह रहा था और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। ये उस पर आखिरी वार करने का बिल्कुल सही वक्त था। ड्रैकुला के हाथ में मौजूद वो टूटी हुई तलवार बैथोरी के वार से टुकड़े टुकड़े हो गई थी और वो जमीन पर गिर पड़ा। बैथोरी ड्रैकुला के डर को महसूस कर पा रही थी। अगर उसके पास वक्त होता तो वह उसे जहन्नुम पहुंचाने से पहले जश्न मनाती, पर अभी नहीं। उसकी वो एक बची हुई आंख बड़ी होकर ड्रैकुला को देख रही थी। उसके एक हाथ में खुखरी थी और दूसरे में ड्रैकुला की तलवार। उसने वो तलवार ऊपर की और अपनी पूरी ताकत से किसी भाले की तरह ड्रैकुला पर वार किया।
ड्रैकुला के पास भागने या बचने की जरा भी जगह नहीं थी। उसकी मौत पक्की थी, पर बीच में ही उसने ड्रैकुला के चेहरे के भाव बदलते हुए देखे। डर की जगह उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान खेल गई थी। अपने सीने से बस कुछ इंच दूर ही उसने अपने हाथों से बैथुरी की तलवार को पकड़ लिया। ड्रैकुला के हाथों में अच्छे खासे घाव बन गए थे और उसके दाएं हाथ की उंगलियां वो कटकर हवा में उछल गई थी। ड्रैकुला ने बैथुरी की तलवार को एक तरफ कर दिया था। बैथुरी का संतुलन बिगड़ गया और उसकी तलवार पत्थरों से टकरा गई। ड्रैकुला ने फुर्ती से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपनी वो टूटी हुई तलवार उसके पेट में घुसा दी। वो तलवार बैथुरी के जले हुए मांस को चीरते हुए उसकी पीठ से बाहर निकल आई। बैथुरी ने एक जुआ खेला था और वो इसमें हार गई थी। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हो चुका था। दर्द से तड़पते हुए उसने ड्रैकुला के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा। ड्रैकुला का चेहरा वापस अपने असल रूप में आ गया था। इस तरह के छोटे मोटे खेल से वो ड्रैकुला को हरा नहीं सकती थी। ड्रैकुला ने पहले ही उसके मन और आत्मा को पढ़ लिया था। बैथुरी के अंदर का गुस्सा, उग्रता और जुनून को वो अच्छी तरह से जानता था। ड्रैकुला ने यूं ही वो टूटी हुई तलवार नहीं उठाई थी। किसी मंझे हुए अभिनेता की तरह उसने बैथुरी को फंसा लिया था। ड्रैकुला ने उसे बहुत पहले युद्ध का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम समझाया था, अपने दुश्मन को कभी कमजोर ना समझने का नियम। ड्रैकुला ने वो टूटी हुई तलवार बैथुरी के पेट से निकाल दी और उसे एक तरफ फेंक दिया। वो बैथुरी को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो खुशी के भाव थे और ना ही दुख के। उसने कहा, एक बार युद्ध शुरू हो गया तो फिर भगवान का कोई भी योद्धा किसी भी बुरे इंसान के सामने हार नहीं सकता, फिर चाहे वो इंसान तुम्हारे जैसा कोई अंडर ही क्यों ना हो। सिर्फ भगवान का नाम सुनने भर से ही बैथुरी गुस्से से भर गई थी। अपनी हैवानी आत्मा से जैसे उसने एक चीख मारी और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई खुखरी से ड्रैकुला का गला चीर दिया। उसकी गर्दन से खून उबल पड़ा। अपने खुद के दर्द को भूलकर बैथुरी हंसने लगी। ड्रैकुला का चेहरा देखने लायक था। वो हैरान था। अपना बिना उंगलियों वाला हाथ अपनी गर्दन पर रखकर वो खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। ड्रैकुला का गुस्सा अब सारी हदें लांघ चुका था। उसने अपने दूसरे हाथ को जोर से भींचा और एक मुक्का बैथुरी के पेट में मारा। ड्रैकुला ने जैसे अपनी सारी ताकत उसे एक मुक्के में झोंक दी थी। बैथुरी ने पहले अपने जले हुए सख्त हो चुके मांस को कड़कते हुए, फिर फटते हुए और फिर उस मुक्के को अपने पेट के अंदर घुसता हुआ महसूस किया। ड्रैकुला अपना हाथ बैथुरी की पसलियों तक ले गया था। बैथुरी के लिए अब कुछ भी करना शायद मुमकिन नहीं था। उसके शरीर के अंदर के सारे अंग फट चुके थे। ड्रैकुला गुर्राया, भगवान ने तुम्हें चुना था, तुमने उसके प्यार को ठुकराया और खून खराबे का रास्ता चुना। अपने गुनाहों के लिए सिर्फ तुम और तुम ही जिम्मेदार हो। बैथुरी के जिस्म के अंदर ड्रैकुला का हाथ उसके दिल तक पहुंच चुका था। उसने बैथुरी के दिल को कसकर पकड़कर अपनी मुट्ठी में दबा दिया। ड्रैकुला ने एक झटके से अपना हाथ बैथुरी के जिस्म से बाहर खींचा। बैथुरी आंखें फाड़ फाड़ कर ड्रैकुला के हाथ में अपने जिस्म से बाहर आ चुके अपने काले दिल को देख रही थी। एक भयानक चीख के साथ बैथुरी ने वो खुखरी एक बार फिर से ड्रैकुला के सीने में धंसा दी, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी
कि वो ड्रैकुला का दिल चीर पाती, पर उसके जिस्म से बहते हुए इतने सारे खून और सूरज की रोशनी में वो भी जिंदा नहीं बच सकता था। उनका युद्ध बराबरी भर था, वो दोनों ही जीत गए थे और वो दोनों ही हार गए थे। अपनी आखिरी सांस में बैथोरी ने खुद को एक तरफ पलट लिया। वो ड्रैकुला के पैरों पर दम तोड़ना नहीं चाहती थी। अपने वजन से वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। नीचे गिरते हुए उसे अपने शरीर की हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ड्रैकुला जल्दी ही मरने वाला था, भले ही वो आगे कुछ देख पाए या ना देख पाए। भगवान के इस योद्धा के मरने के बाद इस दुनिया में एक नए शासन की शुरुआत होगी। दम तोड़ते हुए उसके मन में बस एक ही विचार था, काउंटेस एलिजाबेथ बैथोरी, जिसे गालियां दी गईं, प्रताड़ना दी गई, डराया गया और अंत में मार दिया गया। वो अपनी मौत से दोबारा उठेगी और इस दुनिया पर राज करेगी। क्विंसी बैथोरी को गिरते हुए देख रहा था। उसने ड्रैकुला को देखा तो उसके सीने में वो खुखरी आधी धसी हुई थी। कुछ ही पलों में सूरज की किरणें उस पर होती। अपने हाथ में पकड़ी हुई उस टूटी हुई कुदाल पर क्विंसी के हाथ कस गए। उसे अभी ही कुछ करना था। ड्रैकुला को उसके ही हाथों मरना होगा। वो आगे बढ़ा। उसके पीछे आती हुई मीना चिल्लाई, क्विंसी नहीं, रुक जाओ। अपनी मां की आवाज सुनकर क्विंसी जैसे और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। वो दौड़ने लगा। इस बार उसे उस आदमी का सामना करना था जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। वो चीखा, ड्रैकुला मेरा मुकाबला करो। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था और मीना को उसकी जलन अपनी खाल पर महसूस होने लगी थी। उसका दिमाग बार बार उसे कह रहा था कि वो आगे बढ़कर क्विंसी को रोक ले, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। कब्र पर लगे पत्थरों पर सहारा लेते हुए वो खुद को किसी तरह आगे घसीट रही थी। बिना खून के उसका शरीर कमजोर था। वो एक बार और चिल्लाई, क्विंसी रुक जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो। क्विंसी चिल्लाते हुए वो कुदाल ऊपर उठाकर ड्रैकुला की तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो ड्रैकुला के पास पहुंच गया था, पर ड्रैकुला की पीठ अब भी उसकी तरफ थी। वो रुक गया। अपने दुश्मन को इस तरह पीठ पर वार करना, इसमें कोई बहादुरी नहीं, कोई सम्मान नहीं, पर उसे यह खत्म तो करना था। क्विंसी ने वो कुदाल ऊपर उठाई और अपना वार करने के लिए तैयार हो गया, पर तभी उसके दिमाग में जैसे किसी ने सुइयां चुभो दी हों। उसे अपने मन में किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, क्या तुम सच में मुझे मार दोगे क्विंसी, मुझे जो तुम्हें इतना प्यार करता है। क्विंसी जम चुका था। उसके मन में जैसे कई ख्याल एक दूसरे से लड़ रहे थे। ना तो उसका अपने दिमाग पर कोई काबू था और ना ही अपने जिस्म पर। आसमान में फिर से बादल घुमड़ आए, सूरज छिप गया। क्विंसी को अब समझ में आया कि ड्रैकुला उसकी तरफ अभी तक पलटा क्यों नहीं था। वो अपनी बची खुची शक्ति को बादलों और क्विंसी के दिमाग पर केंद्रित कर रहा था। ड्रैकुला अब उसकी तरफ पलटा। अपने दुश्मन को मारने की खुशी में क्विंसी भूल गया था कि ड्रैकुला जब उसकी तरफ पलटेगा तो उसे वही जाना पहचाना बासाराब का चेहरा ही दिखाई देगा। उसका उधड़ा हुआ पेट और गला, एक खून से लथपथ ठूंठ में बदल चुका उसका एक हाथ और उसकी छाती में धसी खुकरी से बहता हुआ खून। क्विंसी को अपने दुश्मन के लिए हमदर्दी महसूस हो रही थी। ये हमदर्दी ड्रैकुला के लिए नहीं,
बल्कि बासाराब के लिए थी। उसने कहा, ये तुम हो, वैन हेल्सिंग ने मुझे बताया था, पर मुझे उम्मीद थी कि वह झूठ बोल रहे होंगे। पर क्विंसी के हाथ से वो कुदाल गिर पड़ी। वो हारा हुआ पीछे हट गया। उसके मुंह से निकला, मैं ये नहीं कर सकता। उसके दिमाग में गूंजती वो आवाज और भी तेज हो गई, ड्रैकुला या बासाराब, मैं वही आदमी हूं जो तुम्हें प्यार करता है क्विंसी। ड्रैकुला के जिस्म में उठता दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर था, पर फिर भी वो बोला, मुझे मजबूरी में तुम्हें धोखा देना पड़ा। मुझे बैथोरी को यह दिखाना था कि मैं मर चुका था। मैं बासाराब बना ताकि मैं सबके सामने रहकर भी उससे छुप सकता। क्विंसी के दिमाग में कई तस्वीरें उभरने लगी। वो तस्वीरें उसे सच दिखा रही थी। असली दुश्मन बैथोरी थी। ड्रैकुला ने जो भी अच्छा या बुरा किया था वो क्विंसी और उसकी मां की हिफाजत के लिए किया था। यही उसका लक्ष्य था। क्विंसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। क्या वो यादें और तस्वीरें जो उसके दिमाग में उभर रही थीं, वो सच थी? क्या ड्रैकुला हमेशा से ही उसका दोस्त था? पर सिर्फ एक ख्याल कि बासाराब ने उसे धोखा दिया था, उसके अंदर दोबारा घृणा जागने लगी। वह चिल्लाया, मैंने भी तुम्हें प्यार किया, तुम पर भरोसा किया, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अंधेरों के उस राजकुमार पर अब सूरज की रोशनी पड़ी। उसकी खाल सूख कर और भी झड़ने लगी। उसके मांस के अंदर ही अंदर उसकी हड्डियां रेत बनकर बिखरने लगी थी। हर गुजरते पल के साथ ही उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी और सूरज से बादलों की छांव भी हट रही थी। उसने कहा, खुद से पूछो कि तुम मुझे क्यों नहीं मार पाए। मैं और तुम एक ही हैं। मुझे खत्म करना तुम्हारे लिए खुद को खत्म करने जैसा होगा क्विंसी। पर क्विंसी के दिमाग में कई ख्याल आपस में लड़ रहे थे। उसके अंदर का गुस्सा उबाल मार रहा था। उसे ड्रैकुला का सामना करना ही था। उसने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। क्विंसी और ड्रैकुला अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्विंसी जोर से चिल्लाया, तुमने मेरे पिता का खून किया है। क्विंसी को लगा था कि ड्रैकुला उससे लड़ेगा या फिर बहस करेगा, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे से जलती हुई खाल के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। उसने कहा, क्विंसी, तुम कोई बेवकूफ नहीं हो? क्या तुम्हें सच दिखाई नहीं देता? जिस इंसान को तुम अपना बाप कहते हो, मैंने उसे नहीं मारा। क्विंसी, तुम्हारा असली बाप मैं हूं। तुम मेरे ही बेटे हो। क्विंसी के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। उसने ड्रैकुला को छोड़ दिया और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ा। क्विंसी ने अपने हाथों से उस खोखरी को पकड़ लिया। वो चीख रहा था, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्विंसी के हाथों में खोखरी का हत्था नहीं, ड्रैकुला की जिंदगी थी। पर ड्रैकुला ने जरा भी विरोध नहीं किया। क्विंसी जो चाहे उसके साथ कर सकता था। ड्रैकुला ने उसे चुनौती दी, करो, मार दो मुझे, अगर तुम में हिम्मत है तो मार दो। ड्रैकुला के अंदर हिलने की भी ताकत नहीं थी और अब उस पर सूरज की सीधी किरणें पड़ रही थी। उसके कपड़ों के अंदर से भाप निकल रही थी। वो अंदर ही अंदर सुलगने लगा था। क्विंसी को अब क्या करना चाहिए? क्या वो ये चाकू उसके सीने में धंसा दे और कहीं भगवान उसे हत्या का दोषी ना बना दे? ऐसा करके तो वो भी उसी शैतान की तरह एक हत्यारा बन जाएगा। भगवान उससे आखिर चाहता क्या था? ड्रैकुला ने कहा,
तुम्हें सच जानना था ना, वो सच जो आज तक तुमसे सब लोग छुपाते आए थे। तुम्हारी माँ से सबसे पहले मैं मिला था क्विंसी। तुम्हारी रगों में दौड़ रहा खून मेरा ही है। क्विंसी के अंदर जज्बातों का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। उसे मीना की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, पर वो सही कह रहा है। क्विंसी का वजूद एक झूठ पर टिका हुआ था। ड्रैकुला की खाल सूरज की तेज रोशनी में सुलग रही थी, पर क्विंसी के ऊपर उन किरणों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसका सीधा मतलब था कि वो अब भी एक इंसान ही था और उसके पास अपना चुनाव करने की आजादी थी। क्विंसी ने कहा, मैं जोनाथन हार्कर का बेटा हूं। मैं भगवान का बनाया हुआ इंसान हूं, कोई शैतान नहीं। ड्रैकुला ने एक बार मीना की ओर देखा। उसने अब उम्मीद छोड़ दी थी। वो और जीना नहीं चाहता था। उसने किसी तरह खुद को खड़ा किया और सीधा सूरज के सामने आ गया। एक ही पल में उसका जिस्म एक आग के गोले में तब्दील होकर फट गया। सूरज ने अपना काम कर दिया था। रोशनी ने अंधेरे को मिटा दिया था। ड्रैकुला का जलता हुआ शरीर ऊपर पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरा। पथरीले किनारों पर टकराते झाग भरे समंदर में उसका जिस्म कहीं खो गया। क्विंसी ने पीछे से अपनी मां की चीख सुनी, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मीना ड्रैकुला को गिरते हुए देख रही थी। एक ही पल में सब खत्म हो गया था। वो कुछ नहीं कर पाई थी। मीना के हाथों से भाप निकलने लगी थी। सूरज की रोशनी उसे दर्द पहुंचा रही थी। मीना गिर पड़ी, पर फिर भी वह क्विंसी की तरफ खुद को घसीटते हुए जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब यह सच जानने के बाद क्विंसी उसे माफ कर देगा, पर क्विंसी मीना की तरफ पलटा भी नहीं। वो पहाड़ी से बस नीचे देख रहा था। मीना कह रही थी, मेरे साथ चलो मेरे बेटे, अभी मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। बहुत कुछ है जो मुझे तुम्हें सिखाना है। क्विंसी ने एक बार अपने हाथों की ओर देखा। वह खून से रंगे हुए थे। उसके मन में अब भी ड्रैकुला के शब्द गूंज रहे थे। उसने कहा, मेरी मां मर चुकी है। ये कहकर क्विंसी पलटा और भाग गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीना उसे जाते हुए देखती रही। उसने अपने बेटे को बचा तो लिया था, पर इसके लिए उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पर क्विंसी अब भी अपनी जिंदगी चुन सकता था। मीना, वो अब भी अकेली थी। जिन भी लोगों को वो जानती थी, जिन्हें प्यार करती थी, उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं था। उसने अपनी ये कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी अकेले रहने के लिए नहीं चुनी थी। इस अमरता का क्या फायदा जब वो इसे किसी के साथ साझा ही नहीं कर सकती। मीना घिसटते हुए पहाड़ी के किनारे तक आ पहुंची थी। उसके पैरों ने पहले ही आग पकड़ ली थी। उसका शरीर जलने लगा था, पर उसे दर्द नहीं हो रहा था। वो बस एक बार अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी। जोनाथन, लूसी, आर्थर, जैक, क्विंसी, प्रोफेसर, वो ड्रैकुला को देखना चाहती थी। उसका अब तक का सफर लंबा और थका देने वाला था। अब उसे आराम करना था, हमेशा के लिए। मीना ने अपने हाथ ऊपर आसमान की ओर किए और भगवान से भीख मांगी। वो चाहती थी कि भगवान उसे माफ कर दे। मीना कुछ पल पहाड़ी से नीचे देखती रही और अगले ही पल वो गिर रही थी। नीचे मौजूद पानी और चट्टाने उसके पास आती जा रही थी। एक झटका और उसके बाद अंधेरा, एक लंबी नींद।
अनुभवी नाविक जॉन कॉफी काफी थका हुआ था। पिछली रात ज्यादा पीने की वजह से उसे सरदर्द भी हो रहा था। आज आसमान में बदली थी और मौसम ऐसा था जो समंदर को परेशान कर रहा था। उसका वो बड़ा सा जहाज रोचेस पॉइंट पर लगा हुआ था। ये जहाज क्वींसटाउन के अंदर वाले छोटे बंदरगाह के लिए काफी बड़ा था। जॉन क्वींसटाउन में ही रहता था, पर इतना पास होकर भी जॉन अपने शहर जा नहीं सकता था। उसे तुरंत ही अपने जहाज पर सवार होकर निकलना था। कॉफी अमेरिका की ओर जा रहा था। उस जहाज में कई यात्री थे, उनका ढेर सारा सामान और भी तरह तरह की चीजें। जहाज बस निकलने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे आवाज दी। कॉफी पलटा तो एक आदमी लकड़ी की शहतीरों के पास से लड़खड़ाता हुआ उस तरफ बढ़ा रहा था। वो हाथ हिलाकर कॉफी को रुकने का इशारा कर रहा था। उसकी बिगड़ी हुई हालत और मैले कुचैले कपड़ों से लग रहा था कि ये कोई बेघर सड़क छाप इंसान था जो शायद कोई जुगाड़ लगाकर अमेरिका निकलने की फिराक में था। कॉफी ने कहा, अबे किधर, यहां जहाज में कहां रहा है तू? वो इंसान हकलाते हुए बोला, मैं माफी चाहता हूं। उसका बोलने का तरीका काफी शालीन था और उसके लहजे से लग रहा था कि उसे अंग्रेजी बोलना काफी अच्छे से आता है। कॉफी हैरान था। वो इंसान, उसकी आंखों में एक खोखलापन सा था। कॉफी को वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उस आदमी की आंखें सामान्य नहीं थी। उसने ऐसा ही कुछ अपने पिता की आंखों में भी देखा था। कॉफी के पिता ने कई युद्ध लड़े थे और उन्होंने कई बुरी चीजों को बहुत पास से देखा था। देखा क्या, उन्होंने उन सबको जिया था। पर कॉफी को और भी ज्यादा हैरानी हुई जब उस आदमी ने उसे एक कागज दिया जिस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, बोर्डिंग पास पी डेक फर्स्ट क्लास। कॉफी के मुंह से ये अपने आप ही निकल गया। उस आदमी के फटे चीथड़े कपड़ों को देखते हुए कॉफी जैसे ये सवाल खुद से ही पूछ रहा था। उसने आगे कहा, तुम कह रहे हो कि तुम डॉक्टर फील्डिंग हो? कॉफी ने एक और बात पर ध्यान दिया था। एक डॉक्टर होने के हिसाब से ये आदमी काफी जवान था, मतलब वो एक लड़का ही तो था। जरूर ही इस लड़के ने ये पास डॉक्टर फील्डिंग से चुराया था। कॉफी ने उस लड़के के कंधे पर टंगे एक थैले को शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, और तुम चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि तुम्हारे कंधे पर टंगा ये तुम्हारा मेडिकल बैग है? तुम पागल हो क्या, या मुझे पागल समझते हो? उस लड़के ने कहा, नहीं, ये मेरा मेडिकल बैग नहीं है। मेरे साथ एक दुर्घटना हुई है और मेरा वो बैग कहीं गिर गया। कॉफी ने पूछा, गिर गया मतलब? वो बैग तुम्हारे बाकी सामान के साथ कहीं खो गया? वाह। कॉफी को लग रहा था कि अगला सवाल पूछते ही वो लड़का उल्टे पैर भागता नजर आएगा। उसने कहा, मुझे अपना मेडिकल लाइसेंस और पासपोर्ट दिखाओ। उस लड़के ने अपनी जेब से एक बटुआ निकाला और उसे कॉफी के हाथ में थमा दिया। कॉफी ने वो बटुआ खोला तो उसमें हरे बैंक नोट थे। उसने ध्यान से देखा तो ये अमेरिकन डॉलर थे, 100-100 डॉलर के 5 नोट। कॉफी पूरे साल काम करके भी 500 डॉलर नहीं कमा पाता था। उसने एक नजर उस लड़के को देखा और कहा, आपके कागज तो एकदम सही लगते हैं डॉक्टर, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, मेरे पीछे आइए आप। ये लड़का कॉफी के साथ चलता हुआ जहाज के डेक बी पर पहुंच गया। वहां मौजूद संभ्रांत लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ रहे थे, पर किसी ने भी उसे बाहर निकलने या भगाने की कोशिश नहीं की थी। डॉक्टर फील्डिंग के ये कागज उसके काम आ गए थे। जिस घोड़े पर सवार होकर क्विंसी एबी पहुंचा था वो लौटते हुए उसे मिल गया था और उसी की जीन पर उसे ये चमड़े का बैग मिला था। क्विंसी सोच रहा था
कि उसका नाम एक बहादुर योद्धा क्विंसी मॉरिस के नाम पर रखा गया था, जिसने बुराई के खिलाफ जंग में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। क्विंसी जानता था कि वो अब इस नाम को और ज्यादा खुद से नहीं जोड़ सकता। उस महान योद्धा के नाम का वजन बहुत ज्यादा था, वो उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। वो कैराफैक्स एबी से घंटों भागते हुए यहां पहुंचा था और अब उसे मीना के जिंदा होने का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो अपने मानसिक जुड़ाव के चलते मीना का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। इसका एक ही मतलब था कि वो मर चुकी थी। क्विंसी को लग रहा था कि भगवान ने उसे एक नया रास्ता दिखाया है, पर उसे खुद से घिन भी आने लगी थी। आखिरकार ड्रैकुला का बेटा होने के बावजूद वो एक कायर था। जहाज में पहुंचाया गया सामान अभी डेक पर रखा था और कॉफी को यह सामान अभी कार्गो में उतरवाना था। वो सोच रहा था कि टाइटैनिक नाम के इस जहाज से अमेरिका पहुंचने के बाद वो चर्च में जाकर अपनी रिश्वत के लिए माफी मांग लेगा, पर उसे अभी दो बड़े बक्सों को कार्गो में रखना था। उन बक्सों पर लिखा हुआ था, मालिकाना हक व्लादिमीर बासाराव, क्वींसटाउन आयरलैंड से न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।